प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम न्याय की किताब और उसके 10 अध्याय में चलते हैं। तोला के चरित्र के बारे में हम देखते हैं। अबीमेलेक के बाद इज़राइल के चुड़ाने के लिए तोला नामक एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रैम के पहाड़ी देश के सामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको सामीर में मिट्टी दी गई। इसके बाद याइर गिलादी याइर उठा और 22 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे जो गदियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में है और आज तक हबोताइर कहलाते हैं। तब याइर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रियो, मैं याइर के बच्चों की बात करता हूँ कि उसके 30 बच्चे थे और 30 गदियों के बच्चों पर वो विराजमान होते थे और इकट्ठे निकलते थे और उनके 30 नगर भी थे। प्रियो, यहाँ पर राजा तो नहीं था न्याय की किताब में हम देखते हैं, लेकिन ये न्याय करने के लिए न्यायी जरूर चुने गए या बनाए गए और ये न्याय करते रहे परमेश्वर की अगुवाई में। कुछ समय तक चलते रहे, कुछ समय के बाद ये बिगड़ते भी चले गए। आइए हम तीसरे इब्तिया के बारे में देखते हैं, जो तीसरा एक इनका अगुआ रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। 6 पद हैं, 10 का 6। तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और आराम सिदोन मोआब और अमोनियों और उसके अलावा फिलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया। प्रियो, अगुआ ना रहने के कारण से ये अक्सर मेरी ऐसी वीडियो बनती रहती है और मैं बनाता रहता हूँ कि एक अगुआ की जब अधीनता ना रहे तब इस प्रकार से इसराइलियों ने और आज विश्वासियों ने अपने जीवन को बिगाड़ा हुआ है। आज के हालात भी देखे जाएं तो इसराइलियों को भी हम देखते हैं कि उन्होंने अगुआ ना रहने के कारण से अपने हालातों को इस तरीके से बनाया कि वो अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगते हैं या उनके लिए आज संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको वो अपना देवता बना लेते हैं। हो सकता है उनके रिश्तेदार हो सकता है उनकी कुछ ऐसी मनभावनी चीज़ें हों, वस्तुएँ हों, पत्थर हों, ऐसे कपड़े हों जिनको उन्होंने अपने देवता के समान उनकी लालसा की और उनके लिए अपना ईमान और विश्वास को खराब कर दिया है। तो प्रियो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का और उसने उन्हें फिलिस्तियों के और अमोनियों के अधीन कर दिया। देखिए, परमेश्वर के क्रोध होने पर परमेश्वर इज़राइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ और अमोनियों के हाथ कर देता है। और यहाँ हम आगे पढ़ते हैं, और उस वर्ष ये इज़राइली को सताते और पीसते रहे जब वो अधीन हो गए। और उसके बाद लिखा है, वरन यर्दन पर अमोरी के देश गिलाद में रहने वाले सब इसराइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। कितनी संख्या बताई गई, 18 वर्ष तक। पिछले दिनों में 20 साल का जिक्र आता था, फिर से 7 वर्ष का जिक्र आता था जब गिदोन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रियो, यहाँ फिर से उन्होंने 40 साल बाद फिर से उन्होंने अंधेर किया या फिर से उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर का विरोध किया, विरोध हुआ और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध इन पर आया है। इसलिए 18 वर्ष तक परमेश्वर ने उनके अधीन कर दिया है। 9 पद में हम जब देखते हैं, अमोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रैम के घराने से लड़ने को यर्दन पार जाते थे। यहाँ तक कि इज़राइल बड़े संकट में पड़ गया जब ये लोग अमोनी लोग फिलिस्तीनी लोग इनसे लड़ने के लिए जाते थे। कि लिखा है यहाँ, बिन्यामीन से और एप्रैम के घराने तक को यर्दन पार तक ये लोग जाया करते थे और इसराइल बड़े संकट में पड़ गया। इनसे युद्ध करते, लड़ते और इन्हें सताते, इन पर अंधेर करते। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की नज़र में बुरा किया था। इसलिए जब देखते हैं 10 पद में हम पढ़ते हैं, तब इसराइलियों ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। अक्सर मैं बोलता हूँ प्रियो कि परमेश्वर के साथ जब हम किसी और की इमेज को बनाते हैं या खड़ा करते हैं या परमेश्वर के अलावा हम किसी और को अपना देवता मान लेते हैं तो ये महापाप हो जाता है। और इन्होंने इसी तरीके से दोहाई दी है कि हमने अपने परमेश्वर को त्याग कर
बाल देवताओं की उपासना की है और हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। ये परमेश्वर से इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिय, दुख की बात है कि जब जब आप परमेश्वर की नजर में बुरा करेंगे तब तब आप किसी और की अधीनता में जाते रहेंगे और अंधेर करने वाले आपके जीवन में अंधेर करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने दुहाई दी और यहोवा ने इजरायलियों से कहा, देखिए परमेश्वर सुनता है, ये नहीं कि परमेश्वर नहीं सुनता है, पर जवाब क्यों नहीं देता है? शायद इसका कारण यही हो कि कई सालों तक, 18 सालों तक, 20 साल तक, 7 साल तक आप अंधेर सहते रहे और परमेश्वर कोई भी उत्तर ना दे। क्योंकि आप चिल्लाते तब हैं जब आप हद हो जाती हैं, जब पानी सिर से भी ऊपर चला जाता है और आपकी चिल्लाहट और आपको जब लगता है कि आप मरने पर हैं तभी आप चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर इजरायलियों ने किया है। लिखा है, यहोवा ने इजरायली से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, अमोरियों, अमोनियों और पलिश्तियों के हाथ से ना छुड़ाया? परमेश्वर बार बार रिमेम्बर कराता है, याद दिलाता है कि मैंने इन जातियों से क्या तुम्हें नहीं छुड़ाया है, और अमोनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुआएं दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी ना छुड़ाया। परमेश्वर सवाल कर रहा है इजरायलियों से जब इन्होंने दुहाई दी है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें ना छुड़ाया, कारण तुम प्रार्थना करते रहे, तुम चिल्लाते रहे, तुम दुहाई देते रहे, लेकिन मैंने नहीं छुड़ाया। कारण है इसका, कारण यह है, जब हम 13 पद में पढ़ते हैं, तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराए देवताओं की उपासना की है। परमेश्वर याद दिला रहा कि मैंने उन बातों में तुझे छुड़ाया था, तेरी अगुवाई की थी, तुझे आजाद किया था, तू एक स्वतंत्रता फील करता था, आजाद लोगों की तरह तू रहा करता था, लेकिन तूने मेरी उपासना ना करके देवी देवता की उपासना की है। तो अभी तुमने मुझे त्याग कर प्राय देवता की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है, अब मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। कारण क्या है? क्योंकि तुमने बुरा किया है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे जीवन के लिए मैंने क्या नहीं किया, परमेश्वर ये बात कह रहा है। कैमर पासवान भी अपने से विश्वासी जन से इस प्रकार से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और तुम फिर जाकर अन्य देव देवता की उपासना करने लग जाते हैं। प्रियो, फंसेंगे एक दिन बुरी तरह। जब आप फंस जाएंगे तो परमेश्वर भी शायद आपकी दुहाई ना सुने, परमेश्वर भी शायद प्रार्थना ना सुने। परमेश्वर सुन तो रहा होगा लेकिन उत्तर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का जो लहू आपके लिए बहाया गया उसकी कीमत आपने नहीं जानी है। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है, फिर जब सिदोनी, अम्लोकी, मोआनी और लोगों ने तुम पर अंधेर किया, तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया। सोचिए, परमेश्वर क्यों नहीं छुड़ाना चाहता है? क्योंकि तुम प्राय देवता के उपासना करते हो, इसलिए मैं तुमको न छुड़ाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है। इसलिए 14 पद में आते हैं, जाओ अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, जाओ, आजाद है तुम, जाओ, जिनको तुमने अपने देवता बनाए हैं, जिनको तुमने अपना परमेश्वर मानकर बैठ गए हैं, उनके पास जाओ, अपने माने हुए देवताओं के पास जाओ और जाकर उनको दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वो ही तुम्हें छुड़ाए। प्रियो, अब संकट इन पर है, 18 साल से अंधेर को सह रहे हैं और ये परमेश्वर भी ने इसी प्रकार से उत्तर दे रहा है, जाओ जिन देवताओं को तुम मानते हो, जिनकी तुम आराधना करते हो, जिनकी तुम उपासना करते हैं और जो तुम्हारे माने हुए देवी देवता हैं, जाओ उनके पास और उनकी दुहाई दो, वही तुम्हें छुड़ाए, आए वह सामने और आप तुम्हें छुड़ाए। आगे लिखा है, इसराइल ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, वाकई पाप किया है। आप जब वचन पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि इसराइल बार बार पाप करता आया है। इसलिए इसराइलियों ने कहा, यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। जो तू सजा देना चाहता है, जो तू हमारे साथ करना चाहता है कर, पर अभी हमें छुड़ा ले। कितनी इमरजेंसी है, कितनी इनको आप उतावली पड़ी है, जब 18 साल से लोग जागे नहीं हैं और आप जाग कर कह रहे हैं कि जैसा तुझे अच्छा लगा वैसा कर, पर हमें इन लोगों से, दुश्मनों से, शत्रुओं से इस वक्त छुड़ा ले, जैसा तू चाहे हमारे साथ कर ले। क्या आप ऐसी फ्रीडम परमेश्वर को देंगे? पर आप क्यों दूसरे की आराधना करते हैं, सच्चे जीवित परमेश्वर को छोड़कर?
इसलिए आगे पढ़ते हैं प्रियो। यहाँ पर लिखा है, तब ये प्राय देवताओं को अपने मध्य में से या अपने बीच में से निकालने लगे। यहां लिखा है दूर करके यहो की उपासना करने लगे। उन्होंने उन देवी देवताओं को अपने बीच में से निकाला और यहो की उपासना करने लगे और वह इजरायलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। देखिए परमेश्वर दयालु है, अक्सर मैं बोलता हूँ और आप भी जानते हैं कि परमेश्वर भला है और दया करने वाला परमेश्वर है और उसकी दया अपरंपार है, उसकी करुणा फॉर एवर है, हमेशा की है। इसलिए परमेश्वर खेदित भी हुआ, दुखित भी हुआ कि इसराइलियों को मैंने कष्ट दिया है। देखिए जब आपके ऊपर कष्ट आ रहे हैं, खुद यहाँ पर परमेश्वर पछता रहा है कि वह इसराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। जब इसराइलियों पर कष्ट आए क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने दुहाई दी, उन्होंने अपने बीच में से देवी देवताओं को हटाया, इस कारण से परमेश्वर ने भी उनकी दुहाई को सुना है। प्रियो आज परमेश्वर आपके बीच में है, आज परमेश्वर आपकी बहुत सी बातों को सुनना चाहता है, देखना चाहता है। कृपया आप परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने बीच में से उन सब चीजों को निकाल दें जिसके कारण परमेश्वर आपकी दुहाई को सुन सके। इसलिए आगे पढ़ता हूँ, तब अमोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इजरायलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अमोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। प्रियो यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बस मेरा जो कहने का अर्थ है कि आप परमेश्वर को गलत न ठहरें और परमेश्वर की उपासना करना बंद न करें, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और सच्चे जीवित परमेश्वर को आप मानते रहें, जिसके कारण से परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करें और अपने मध्य से उन देवी देवताओं को निकाल कर साइड में करो और सच्चे जीवित परमेश्वर को अपने लिए और आप उसके लिए तैयार करो कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।